इसी व्यू को देखने के लिए हम लोग 30 से 40 किलोमीटर पैदल चल के आए। बादलों को छूते हुए पहाड़ और चारों तरफ से देख सकते हो पूरा टॉप में हम लोग हैं और पूरा सुनसान जंगलियाँ। हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग पे, देवभूमि उत्तराखंड के और पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से। पीछे हमारे साथ पंकज भाई। आज का जो ब्लॉग है पूरा ट्रैकिंग ब्लॉग होने वाला है। आज हम लोग अपने गांव से काफ़ी दूर जा रहे हैं। पंकज भाई कितनी दूर जा रहे हैं? लगभग कदमों का अनुमान लगाइए सर, किलोमीटर मत नापिए। हाँ तो पंकज भाई पहले जा चुके हैं और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो यहाँ से पता कितना किलोमीटर का, लगभग 30 से 40 किलोमीटर होगा और पूरा ट्रैक पैदल है। ठीक है, गाड़ी का होता तो मैं एग्जैक्ट बता दे, इतना है करके हम अनुमान से बता रहे हैं। 30 से 40 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना है और पूरा जंगल का रास्ता घनघोर सा, और हम बहुत सारे लोग हैं। तो जो आज का ब्लॉग होगा हम कोशिश करेंगे पूरा आपको हंसा के ले जाने का, यानी कि पूरा ब्लॉग आपको एंजॉय करवाने का। आपको पता है ट्रैकिंग ब्लॉग है तो क्या ही होगा करके, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा दिखाने का, क्योंकि हम खुद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता आपको क्या दिखाने वाला हूँ, बट मेरी कोशिश रहेगी आपको पूरा हंसा के ले जाने की। पंकज भाई अभी तो खिमेश दादा लोग आने वाले हैं, उनसे भी आप जानते हो, अब मिलेंगे अभी एक एक करके। पीछे आमा और छोटी बहन और चाची। पंकज भाई कुछ बोलोगे? अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने अभी आज पूरे ब्लॉग में बोलना ही है। हाँ, पूरे वीडियो पे हम लोगों ने बोलना है। अगर एक वीडियो हम नहीं दिखा पाए तो दो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके यानी कि 2 पार्ट बनेंगे। अभी पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि काफ़ी दूर हम लोगों ने जाना है, तो हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का, सब कुछ आपको दिखाने का। तो हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में आ सकती है, पर अभी कुछ पता नहीं है। देखते हैं कितना हम शूट कर पाते हैं, क्या आगे को होता है। बने रहिए वीडियो के एंडिंग तक। और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर लो। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि आप वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथ में हमको इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आसमान में बादल और धूप भी लगी हुई है तेज सी। और अपना घर कहाँ आपको दिखाता हूँ मैं, सबसे लास्ट में अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पर अपना घर है। और वहाँ से हम लोग यहाँ चल के आ गए हैं। और खिमेश दा कहाँ गए? हमसे पहले आ गए थे, बूबू की दुकान में गए। हेलो खिमेश दा, हाय। आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, क्या बात है दा। भाभी देखने जा रहे हो क्या? अभी मिल जाएगी तो देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है देखने में, क्या जा रहा है, कौन सा पैसा पड़ रहा है। अभी हम लोग कहाँ हैं, अपने नीचे वाले गांव पे पैदल पैदल जा रहे हैं। अभी से वाट लगने लग गई, अभी 5 मिनट चले गए हो रहे हैं। देख लो खिमेश दा हैं, जा रहे हैं भाभी देखने। पंकज भाई दो शब्द इनके बारे में भूले जरा। भाभी देखने कहाँ जा रहे हैं, बचपन से भाभी तो ढूंढ रहे हैं। हाँ पंकज भाई, पता है क्या था बचपन के इनमें शौक थे कि यार खिमेश दा की खिमेश दा को मतलब बीवी मिलेगी, यानी कि पंकज भाई हमें भाभी मिलेगी, उसके बदले में साली मिलेगी भाभी का। बट साला किस्मत ऐसी है कि इनको आज तक नहीं मिली और हम आज तक जंगल घूम रहे हैं। और कुछ बोलना चाहोगे? जंगल ही घूम रहे हैं यार अभी तो, इसी बात का दुख है कब तुम डबल हो गए। आप में से बहुत सारे व्यूवर ये कमेंट करते हैं कि आपका गांव कहाँ है, आप अपने गांव के बारे में बताओ। तो जो मेरा गांव है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि गुरुद्वारा रीठा साहिब से कुछ किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है, जहाँ का नाम है धरसों। और ये रहा अपने सामने बेहद ही खूबसूरत गांव हमारा। ये देख लो, आधा गांव हमारा ये ऊपर है और आधा गांव नीचे साइड आपको दिखाते हैं। ये हमारा ऊपर वाला गांव आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देख सकते हो खेतों में पूरा काम चल रहा है आजकल। यहाँ पे मिर्च लगाई जा रही है और सब जगह खेतों में आपको काम दिखेगा, यानी कि पूरी हरियाली आपको दिख रही होगी। और अपना आधा गाँव इस साइड आपको वो दिखाता हूँ मैं, और अपना घर जो है नीचे की साइड है, दिखाते हैं। ये देख लीजिए आधा गाँव हमारा यहाँ है, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा गाँव अपना, नीचे तक आधा गांव हमारा यहाँ पर है और आधा इस साइड है। और जो आप सामने गांव देख रहे हो ये है बिनवाल गांव। और हम लोग कहाँ जाना है बता दूंगा। वो आपको जो पहाड़ी दिख रही है उसे बहुत पीछे जाना है, 2-3 पहाड़ी क्रॉस करनी है। और खिमेश दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं पंकज भाई का वेट। और पंकज भाई पता कहाँ गए हैं, नीचे वाली शॉप में, भुवन भैया की शॉप में गए हुए हैं, यानी कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं केशव भैया केडी भाई, उनकी शॉप में वहाँ पर गए हुए हैं। और बाकी जो आमा लोग आए थे सारे ऊपर चले गए हैं। आप लोगों को मैंने अपना पूरा गांव दिखा दिया, ऊपर वाला गांव भी नीचे वाला गांव भी, यानी कि पूरा गांव एक साथ दिखा दिया। बहुत बार मैंने कोशिश करी गांव दिखाने की, होता क्या है कभी मैं नीचे का दिखाता हूँ कभी ऊपर का, एक साथ कभी ऐसा मौका नहीं आता। आज पहली बार आया तो मैंने आपको दोनों हिस्से दिखा दिए गांव के। और ओ भैया लोग आ जाओ यार, आ जाओ। पंकज भाई टॉपी लेके आए। और अभी तो रोड है थोड़ी ज़्यादा दूर तक है नहीं, बस गाँव तक ही है, उसके बाद पूरा जंगल का रास्ता, पूरा जंगल जाएंगे। पंकज भाई तुम यार इरादे नेक नहीं तुम्हारे, तभी तुम्हारी वजह से खिमेश सिंगल है, बताए धरसों में एक बंदा ही सिंगल है, वो है खिमेश। हाँ हमारे गाँव में भाई खिमेश से बहुत महान है यहाँ पे। अगर तुम्हें अगर थोड़ा बहुत शर्म होती ना डबल कर देते मेरे दिन। हमें लॉन्डो पे इंटरेस्ट नहीं है, पागल हो गया। तो किस पे लॉन्डिया पे? जाहिर सी बात है लड़की पे ही होगा, लॉन्डो पे किसे होगा भाई। बस हमारी कोशिश आपको हंसाने की, हमारे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने कोई वो नहीं है। आप लोग कोई बोलोगे कि यार आपकी भाषा शैली गलत है, आप गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम आपको हंसाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि हंसाते हंसाते हम भी पहुँच जाएँ और आप लोगों को भी दिखा दें। चढ़ाई स्टार्ट हो गई जंगल वाली और नीचे रही रोड, और रोड से हम लोग ऊपर को आ गए। यानी कि अब पूरा रास्ता जंगल का होने वाला, पूरी खड़ी चढ़ाई वाला। तो सोच सकते हो क्या ही वाट लगने वाली है। चढ़ाई शुरू और वाट लगना शुरू। मैं आज जा तो वैसे अपने काम से रहा हूँ, वहाँ पे काम आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा, पर मैं जाता नहीं। मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं, कुछ नया हो जाएगा। बाकी यार अभी से हालत ख़राब है, क्या ही होने वाला अपना पता नहीं। पीछे दादा लोगों का कॉल आया हुआ है तो इस वजह से दादी आवाज़ आ रही होगी। और रास्ता देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। अभी पूरा रास्ता वो पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ जाना है, उससे भी हमने आगे जाना होगा, बहुत ज़्यादा आगे। और ऐसा कुछ है अभी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। 9:30 बजे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं। हालाँकि घर से तो हम लोग 8:30 पे ही आ गए थे और यहाँ आने तक 9:30 हो गया है। अब जाके ऊपर जाने तक कितना टाइम लगने वाला है नहीं पता, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को वीडियो पे बोर ना करवाऊँ, यानी कि पूरा ब्लॉग एंजॉय करवाऊँ। हालांकि अपनी तो वाट लगना शुरू हो गया है। पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे दिखाने का, पूरा एंजॉय करवाने का। बने रहिए वीडियो के एंडिंग तक, मिस मत करना वाट। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, यानी कि वीडियो बंद कर लेते हैं। अभी चल रहा अपना रेस्ट चल रहा है यहाँ पे। खिमेश भाई क्या कर रहे हैं, फेसबुक में लाइव आ रहे हैं, पंकज भाई इंस्टा पे लाइव आ रहे हैं। देखो कितने पॉपुलर लोग हैं। और विनोद भाई खाली बैठे हैं, बाकी हमारे लोग बैठ गए, वो लोग चले गए। अभी छुट्टी पड़ी है, हम कब आएंगे लाइव यार इंस्टा पे? कभी नहीं आएंगे, हमारे फैन फॉलोइंग बहुत कम है भाई, हमारे फॉलोअर नहीं है। आप बड़े लोग, हम छोटे लोग हैं। ऐड ऑन बढ़ गए ना, आप छोटे लोग हैं भाई। ऐड आने से कौन बड़ा हो जाता है भाई, जब लोग देखेंगे तभी तो बड़े होंगे। बाकी इतनी ज़्यादा प्यास लगी है कि जंगल में पानी है भी नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत बोतल में था, पी लिया हम लोगों ने। अब पता नहीं कैसे रास्ता कटेगा। जंगल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का, पूरा घनघोर जंगल है। चीड़ का, चारों तरफ से पूरा चीड़ का जंगल है। ये भी ऊपर को पूरा बाँस का जंगल आएगा, देख लो। और चारों तरफ पे चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई हैं। इनके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा, फिर एक बार बताया था कि कुछ लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रखे हैं। तो इसको बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पिरो। और ये क्या काम आता है, ये क्या, एक तो जब हम लोग गेहूँ काटते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है उसको जलाने के लिए और जानवरों के लिए बिछाने के लिए, जिससे वो उनको गीला ना हो। और बाकी एक आपको दिखाता हूँ चीड़ का फल, ये उठा के ये देख लो, ये चीड़ का फल। इसको बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्योता। और इसके अंदर खाने वाले भी होते हैं, अभी तो इसमें है नहीं। खैर ये बहुत सारे लोग खाते हैं जो पहाड़ से होंगे, सभी लोगों ने देखा होगा। चढ़ाई देख सकते हो इस तरीके से है, ऐसे हम लोगों को चल के जाना है। और क्या वाट लगी होगी अनुमान लगा सकते हो इसके हिसाब से आप। अभी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब नेट तो चल नहीं रहा, अभी तक हम लोग लाइव आए हुए थे। मैं इंस्टा पे लाइव था, खिमेश दा फेसबुक पे, और पंकज भाई भी इंस्टा पे लाइव थे शायद। तो क्या हुआ, नेट चला नहीं। मैंने कहा चलिए अब ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। हालत इतनी ख़राब हो गई है मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े इंस्टा पे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे साथ इंस्टा से नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़िए। इंस्टा का हैंडल डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे हम लोग लाइव आके बातें करेंगे ढेर सारी। और चढ़ाई देख रहे हो ऐसी है पहाड़ की। और अभी हम लोग कहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग काफल तोड़ने आते हैं, वो वाला जंगल है। यहाँ पे हल्के हल्के काफल पके भी हैं। एक प्रॉपर ब्लॉग में काफल के ऊपर ही बनाऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ हल्का फुल्का। में एक फल होता है जो जंगल में पाया जाता है। ज़्यादा इसके बारे में मैं एक ब्लॉग में बनाऊँगा, जब हम लोग आएंगे प्रॉपर ब्लॉग शूट करेंगे, उसमें बहुत मज़े आते हैं। उसके बाद जो काफल पाक को कहता है, हाँ तो उसकी दादा बोल रहे चिड़िया होती है जो काफल पाक को बोलता है, उसके बारे में आपको मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा। जब मैं काफल के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा तो पूरा बताऊंगा ए टू जेड। और चढ़ाई देख रहे हो इस तरीके से है। और काफल के बारे में ज़्यादा अभी बता नहीं रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपको एक ब्लॉग पे देखने को मिलेगा। आपको आसपास मकान भी नहीं है जहाँ हम पानी पी सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। अब यहाँ से कलिया धुना जाने तो सफर अब ऐसे ही पार करना है यार। मुझे लगता है पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे अभी। देखा जब ब्लॉग के शुरुआत में खिमेश कितनी एनर्जी के साथ बोल रहे थे कि जाएंगे करके, और पूरी वाट लग चुकी है। और थोड़ी एनर्जी अगर नेटवर्क आया था तो थोड़ी एनर्जी और मिल जाती। फिर खिमेश लाइव आया था, इनका टाइम पास सही हो रहा था। अभी नेट भी नहीं चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं, यानी कि नेटवर्क है ही नहीं। एक ही ऑप्शन है ब्लॉग बनाने का, कोई अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। पंकज भाई तो पीछे रह गए। अभी का व्यू देख लीजिए पहाड़ों का क्या आ रहा है, बट धुंध की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। इतने टॉप में आने के बाद क्या सोचा था क्या हुआ। मैंने सोचा कि सबसे टॉप में जाने के बाद आपको चारों ओर के पहाड़ देखेंगे 360 व्यू में, और काफ़ी औसम लगा सोच के हम ये आए थे, बट हुआ नहीं। पर जंगल देख लो पूरा सुनसान है, बस एक कीड़ों की आवाज़ आएगी। ये देख लो चारों तरफ आपको कीड़ों की आवाज़ है, चिड़ियाओं की आवाज़ आएगी। पीछे खिमेश दिला। हम लोग पहाड़ी के सबसे टॉप वाले एरिया पे हैं, और यहाँ से देख लो ये पूरा एरिया दिखता है, इतना सुंदर सा दिख रहा है। पर कैमरे में अच्छे से आएगा नहीं क्योंकि पूरी धुंध पड़ी हुई है, जिस वजह से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। और आगे सामने बाँच का पूरा जंगल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस बात से आप अनुमान लगा सकते हो हम लोग कितनी ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जो बाँच के पेड़ होते हैं, बाँच के देवदार के ठंडी जगह होते हैं, अभी तक आपको हमारे आसपास चीड़ के पेड़ दिख रहे थे, पर अब आपको बाँच और बुरास के पेड़ देखने को मिलेंगे। और इतने ऊपर हम लोग आ गए, काफ़ी थक गए यार। बस किस्मत सही है कि धूप है नहीं एक हिसाब से, क्योंकि चलने के लिए, और वैसे बेकार भी। धूप होती तो पहाड़ का व्यू काफ़ी अच्छा आता और आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती, पर धूप नहीं है तो हम लोगों के लिए फ़ायदा है चलने के लिए, क्योंकि यार रास्ते पे कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं, ना कोई नाला, ना कोई कुछ, ना कोई धारा। सीधे घर ही जाना पड़ेगा, और हम लोगों ने काफ़ी दूर जाना है अभी। और पीछे काफल के पेड़ है, इनमें काफल हो, इस बार की काफल हो नहीं रखी है। ये काफल का पेड़ है। नहीं यार ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ रखे हैं, कच्चे ही हैं। अभी चल रहा हमारा रेस्ट। बहुत पूरे जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ का व्यू काफ़ी औसम। हमारा पीछे का देख लो पूरे पहाड़ और खेत। खिमेश दा हमारा चल रहा बिस्किट एनर्जी के लिए, थोड़ा सा ताकत खत्म होगी हमारी। पीछे पंकज भैया, पंकज भाई कुछ कहोगे इतना बड़ा बैग लाने के बाद? भाई कुछ कहने की हालत में नहीं है। खिमेश दा आप कुछ तो बोलो, क्या बोलो। हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है, और यहाँ पे पंकज भाई बिस्किट खा रहे शर्मा शर्मा के। भाई क्या हाल है। तो यहाँ हमारा रेस्ट चल रहा है, और लोकेशन देखो हमने क्या चूज़ कर रखी है, सामने के पहाड़। हालांकि पहाड़ों पे धुंध है तो सामने वाले पहाड़ आपको दिखेंगे नहीं, पर इस साइड के आपको दिखेंगे। ये वाला एरिया यहाँ पे, यहाँ का नाम क्या है, यहाँ का खांडावरी नाम है। यहाँ देखो गाँव, पूरे ये गाँव है, यहाँ पर 4-5 परिवार हैं शायद, और पूरा वहाँ पर हरा हो रखा है खेतों में, यानी कि फसल लगा रखी है। और यहाँ पर हमारे खिमेश दादा कहाँ दिख रहे हैं, ये हैं। और सामने देखो पूरा बाँच का जंगल है। ऐसी लोकेशन हम लोगों ने चूज कर रखी है बिस्किट खाने के लिए। पंकज भाई मजे आ रहे खाने में? बहुत ही। अपने 2 शब्द बोलिए, कैसा फील कर रहे हो? इतना फिटे गाना भाई तू। ये वीडियो पापा देखेंगे तेरे। और कुछ है सैड बैड फीलिंग इज सो सैड। खिमेश दा आई एम योर डैड। योर फेस के रिएक्शन इज वेरी सैड। ये रहा बुरांस का पेड़, इसमें बुरांस आने रखे हैं। हालांकि उत्तराखंड का ये राज्य व्यक्ति को हल्का हल्का फूल आपको दिख रहा होगा। ये बुरांस का पेड़ है, और ये है बाँच का पेड़। ये पूरा बुरांस का है। भाई गाना बंद कर ले, कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट लगा सोच लियो, बचेगा नहीं तू। ये बंदा हमेशा मेरे दुश्मनी लगता है, पंकज भाई हमेशा मेरे दुश्मनी में रहते हैं। जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ उनका गाना चलता है, कॉपीराइट लगता है तो इनकी वजह से लगता है। खिमेश दा क्या किया जाए ऐसे बंदे का? गोली मार दी जाए, गोली तुरंत तुरंत दान महाकल्याण। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो गोली मारने की आवश्यकता नहीं है, इस पहाड़ी से नीचे पहाड़ी फेंक दो और देख सकते हो रास्ता कुछ इस तरीके का। अब पूरी पहाड़ी पहाड़ी हम लोग जाना है, पूरा टॉप पे जाना है और अब पूरा रास्ता चेंज हो गया, यानी कि जहाँ भी चीड़ के जंगल थे अब आप पूरे बुरांस और बाँच के हो गए। हालांकि चीड़ के दो चार पेड़ आपको दिख रहे होंगे पर पूरा जंगल देख लो, ये पूरा आपका बाँच का जंगल दिख रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है, इतनी हरियाली और पूरी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। यानी कि पहाड़ देखो, आई लव उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की आपको खूबसूरती देखनी है ना तो पहाड़ों में आइए, उसके बाद देखिए भाई क्या ही लगता है। बादलों को छूते हुए पहाड़ और चारों तरफ से देख सकते हो पूरा टॉप में हम लोग हैं और पूरा सुनसान जंगल। यहाँ बस आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की है। पूरा व्यू देख सकते हो 360 व्यू, चारों तरफ आपको पहाड़ देखेंगे, इतने टॉप में हम लोग गए हुए हैं। अगर पहाड़ों पे धुंध नहीं लगी होती और क्लियर दिखता, पर धुंध की वजह से देख नहीं पा रहा, पर हम लोग सबसे टॉप में हैं। क्या ही व्यू आ रहा है यार, ऑसम। चलिए ट्रैकिंग कुछ इस तरीके की, दो गांवों को मिलाती हुई एक सीमा, ये दो गांवों को मिलाती है। और जंगल में आग लग रही, आग लगाने का कितना नुकसान होता है। उत्तराखंड में जो आग लगी उसकी वजह से देख लो पूरा जंगल जल गया, ये इस तरीके से पेड़ जल जाते। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को भी जंगल पे घूमने जाते हैं कैसे भी जाए तो आग ना जलाएं। अगर कभी जलाते हो तो उसको ऑफ करके जाओ, यानी कि बंद करके जाओ, वरना इस तरीके से जंगल जल जाते हैं। आगे देखो कितना खूबसूरत सा जंगल लग रहा है, पूरा पेड़ ही पेड़ बाँच के, और आगे से ये ऐसे हाल हो गए। अगर ऐसे ही चलते रहा उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना खिमेश दा? बिल्कुल सही बात। तो हम लोगों को इसको सेफ रख के रखना है। और रास्ते कुछ इस तरीके से, हम सबसे टॉप वाले एरिया पे अभी रास्ता नहीं है बाबा, क्या है फिर ये पहाड़ी की ऊंची ऊंची चोटियां दिख रही हैं, देख रहे हो? रास्ता कहाँ दिख रहा है आपको? ये रास्ता नहीं है, हालाँकि हम लोग कहीं से भी चले जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का व्यू अभी का है दिन का। खिमेश दा क्या फील कर रहे हो सबसे टॉप में चलने में? अरे इतना मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना घर यही बना लूं, कसम से यार इतना मज़ा आ रहा ना, काफ़ी पूरा दिल खुश हो गया। ये देखो पूरे पहाड़ यार, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। आप बोलोगे कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करा, पर इसकी तारीफ़ के लायक पहाड़ आप देखो, क्या ही व्यू आ रहा है सामने का। अगर धुंध नहीं होती ना, अगर हल्का बारिश का मौसम होता उसके बाद तो भाई साहब पूरा क्या ही बोलूँ, जितनी तारीफ़ उतनी कम। कुछ बोलना यार इस व्यू को देख के, और दिल से एक ही चीज़ निकल रही है, वाओ। और पीछे कुछ इस तरीके के रास्ते हैं, यहीं से हम चलते हुए जा रहे हैं और ट्रैक करते हुए। सभी लोग अपना फ़ोटो सेशन चल रहा है, सभी का द लाइव है और पंकज भाई फ़ोटो सेशन पे हैं, हमारी ब्लॉगिंग चल रही है, सब अपने अपने पे एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे पहाड़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत एंजॉय आ रहा होगा। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को बोर ना करूं, अच्छे से दिखाऊं, पर क्या करें यार ट्रैकिंग पे क्या ही दिखा सकते हैं। इसी व्यू को देखने के लिए हम लोग 30 से 40 किलोमीटर पैदल चल के आए, सोचा था कि काफ़ी औसम व्यू आएगा, यानी कि सब कुछ क्लियर दिखेगा, पर पहाड़ देख लो यार पूरे घिरे हुए। स्टार्टिंग की दो ही पहाड़ियाँ दिख रही, पीछे की पहाड़ियाँ दिख नहीं रही धुंध की वजह से, यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ क्लियर दिखती है। सोचा कुछ तो हुआ कुछ, मैंने सोचा आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊँगा, पर क्या करूँ इसकी वजह से ऐसा हो गया। और अगर हमारे चैनल ऐसे ग्रो करते रहा तो यहाँ पे कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है यार, सबसे औसम जगह है। कभी लाइफ में हुआ ना तो कैंपिंग करने पक्का यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लगे अपने टेंट, यहाँ पर जस्ट यहाँ पे। खिमेश दा ट्रैकिंग के लिए, ये तो इनका पता नहीं क्या कर रहा है, ये लाइव है शायद। यहाँ पर इतनी औसम जगह है कैंपिंग करने के लिए, सबसे बेस्ट जगह है। और दिन में आप आओ, दिन में आराम से जब मौसम साफ होता है उसके बाद रात का देखो। यहाँ पर रात का वैसे व्यू तो दिखेगा नहीं क्योंकि लाइटें यहाँ पे है नहीं, पूरा सुनसान पहाड़ रहते हैं, पर जगह इतनी टॉप की है, मैं क्या बताऊँ यार, मज़ा आ गया कसम से। इतनी प्यारी सी हवा चल रही है, पूरी गर्मी हम लोग की चली गई, यानी कि इतनी प्यारी सी हवा से पूरी जो गर्मी हो रही थी चल के पूरी थकान महसूस हो रही थी, सब कुछ खत्म हो गई है ना पंकज भाई। बहुत बढ़िया। और ये जगह पंकज भाई कैंपिंग के लिए कैसी है यार? कैंपिंग के लिए बहुत ही बड़ी जगह, आप आइए और यहाँ पे कैंपिंग कीजिए। सबसे औसम लोकेशन है यार, कसम से इतने टॉप का व्यू दिख रहा ना भाई, मतलब आप यहाँ पे औसम क्या ही बोले हो रहा है। आपका यहाँ आने के बाद दोबारा जाने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो रहा है, दावा है आपसे। अगर हमारे बस में होता ना हम लोग यहाँ पे अपना घर बना लेते, कसम से यार क्या ही बोले, क्या ही बोले। इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे को पहाड़, मतलब पहाड़ नदियाँ इतनी पसंद है ना, और वही मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारे लोग क्या होता है मेरे साथ जो जुड़े हैं वो पता है क्या बोलते हैं कि तू पहाड़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, गाँव गधेरे कौन देखता है ना पंकज भाई। हमें कैसे व्यूअर मिलते हैं पंकज भाई, जरा बताइए। जो मतलब ऐसे कमेंट आते हैं जिस वजह से हमें डिमोटिवेशन मिलता है। हाँ भाई, बहुत मतलब आप लोग कुछ ऐसे कमेंट भी कर देते हैं हाँ कि दिल को छूने वाले, तो फिर ऐसे कमेंट ना कीजिए। क्योंकि हम लोग देखिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि आप क्या पहाड़ दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, दिखा, पर हमें शौक़ है, हम अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाते हैं और हमें यही पहाड़ पसंद है, तो मैं आप लोगों को यही दिखाता हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आप पहाड़ी लाइफ स्टाइल दिखाओ, कुछ और दिखाओ। तो आप देखो यार अभी कोविड का इतना चल रहा है, इसमें कहाँ जा सकते हैं बताइए, इस ऐसे में कहीं जा नहीं सकते ना हम लोग। अगर आपको वीडियो दिखानी तो गांव की ही दिखा सकते हैं, बट जब कोविड ख़त्म हो जाए यानी कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग जहाँ भी घूमने जाएंगे आपको दिखाएंगे, टूरिस्ट प्लेस की जगह, टेम्पल, सब कुछ दिखाएंगे उत्तराखंड के। फ़िलहाल तो हम लोग गाँव पर हैं, और अपना प्यार बनाइए रखिए, जितना आप लोग प्यार करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसको देख के मेरे को खुशी मिलती है हम लोगों को, है ना पंकज भाई, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और पंकज भाई हम लोगों ने क्या टारगेट दिया था 10 जून से पहले का? 3000 सब्सक्राइबर का। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आपका सपोर्ट हमें मिलता है नहीं मिलता, जो भी होगा अच्छा होगा। हाथ भी पूरा मेरा थक गया यार।